नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। दुकान लगाने को लेकर हुई मारपीट, दो घायल। वैशाली जिला ब्यूरो प्रबंधन कुमार मिश्रा के साथ प्रशांत प्रकाश की रिपोर्ट। वैशाली के महनार नगर वार्ड संख्या 7 गंगा रोड में दो दुकानदारों के बीच दुकान लगाने को लेकर जमकर मारपीट हो गई, जिसमें दोनों दुकानदार बुरी तरह घायल हो गया। बताया जाता है कि दोनों दुकानदार काफी समय से महनार के गंगा रोड में फुटपाथ पर अपना अपना दुकान लगा रहे थे, लेकिन कुछ बातों को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। फिलहाल घायल का इलाज महनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। मेरा दुकान है, छोटा सा 5 फीट का मेरा दुकान है, उसका बड़ा दुकान है, बर्तन का दुकान, बड़ा बड़ा भोज पकाने वाला भंडा होता है, वो लेकर के मेरे दुकान के आगे पूरा लगा देता है, घेर देता है मेरा दुकान। अब वो अपना से भी हमरा ने घुसा के और इतना घुसा के हमरा ने लगा देता है, लगा करके वह जब बोले कि तनी साइड कर ले, ऊपर से पन्नी भाई बरसा तनी सनी हुआ तो पन्नी घेर दिया, तो पन्नी बोले तनी पन्नी हटा ले रहे भाई, वह लगे पर्ची ना ईटा उठा के इतना को सीमेंट वाला ईटा था और उठा के फटाक्सी ने मार दिया माता पर टायर के का एक चोखला में। कौन मारा है? पप्पू चौधरी नाम है, पप्पू और फिर विजय, विनोद चौधरी का बेटा है, गंगा रोड में बर्तन दुकान है, भवानी बर्तन दुकान गंगा रोड। इससे पहले कई मरते हुआ और हर बार आता है लोग, आता है हमारा तरफ से बोलता है लोग और उसका उस समय वो बात मान लेता है, हाँ ठीक है ठीक है, उसके बाद फिर क्या करता है, फिर लगाना शुरू कर देता है, धीरे धीरे करके बाहर निकलता है। क्या नाम है किसका? मेरा नाम सुमित कुमार सिंह। क्या चीज का दुकान हुआ आपका? मेरा छोटा सा चप्पल जूता का दुकान है।